शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। भारत से तुर्की और मिस्र भेजी गई गेहूं की खेप के ठुकराए जाने का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। तुर्की ने भारत के गेहूं में रूबेला वायरस होने की शिकायत की थी। इसके बाद गेहूं की इस खेप के इजराइल के बंदरगाह पर भी फंसे होने की रिपोर्ट आई है। इस गेहूं को तुर्की भेजने वाली कंपनी ITC के एग्रो बिजनेस विभाग के CEO का बयान आया है, जिसमें उन्होंने गेहूं के खराब होने की खबरों से इनकार किया है। कंपनी के एग्रो बिजनेस विभाग के CEO रजनीकांत राय ने कहा कि उन्होंने गेहूं की खेप तुर्की भेजी थी, वह क्वालिटी के मानकों पर खरी उतरती है। उन्होंने कहा कि 55,000 टन गेहूं की यह खेप डच की एक कंपनी ETG कमोडिटीज को बेची गई थी। इस डच कंपनी ने गेहूं के क्वालिटी टेस्ट के लिए एक स्विस कंपनी SGS को चुना था। रजनीकांत राय ने आगे कहा कि ITC ने क्वालिटी गेहूं की डिलीवरी की थी और इस खेप को मई के मध्य में रवाना किया गया था। हमें बाद में पता चला कि ETG ने यह खेप तुर्की के एक खरीदार को बेच दी थी। मई के आखिर में हमें पता चला कि तुर्की ने इस खेप को ठुकरा दिया। ITC और ETG दोनों को इस डील के लिए भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि लेकिन ना ही हमें और ना ही ETG को गेहूं की खेप ठुकराए जाने के कारणों का पता चला। गेहूं में रूबेला वायरस होने, गेहूं में प्रोटीन की मात्रा कम होने या फिर तुर्की या मिस्र द्वारा इसे ठुकराए जाने की खबरें सिर्फ अफवाह हैं। रजनीकांत राय ने आगे कहा कि खेप कभी मिस्र भेजी ही नहीं गई। अब यह खेप इजराइल के बंदरगाह पर अनलोड होने का इंतजार कर रही है। रजनीकांत राय के इस बयान से यह संकेत मिलता है कि इस खेप का एक नया खरीदार मिल गया है। वहीं एक अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी के अधिकारी ने पहचान उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि इसके पीछे व्यवसायिक या भू राजनीतिक कारण हो सकते हैं। गेहूं की गुणवत्ता का मुद्दा उठाने से लगता है कि वैश्विक अनाज सप्लायर के तौर पर भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। एक ट्रेड एनालिस्ट का कहना है कि यूरोप के कुछ मुट्ठी भर ट्रेडर्स मध्य पूर्व और अफ्रीका के बाजारों के गेहूं व्यापार को नियंत्रित करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के गेहूं में रूबेला वायरस होना एक मिथक है जिसे तुर्की ने गढ़ा है। रजनीकांत राय के मुताबिक ITC ने 2021-22 में लगभग 18 लाख टन गेहूं निर्यात किया था। कंपनी ने इस साल मई में 13 लाख टन गेहूं निर्यात किया था। उन्होंने कहा कि लेकिन किसी भी खेप में समस्या की शिकायत नहीं आई। तुर्की को जो गेहूं भेजा गया था वह उत्तम क्वालिटी का था। यह मध्य प्रदेश का गेहूं था जिसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 14% होती है। भारत ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ा। भारत ने यह कदम घरेलू स्तर पर खाद्य कीमतों में इजाफा करने के उद्देश्य से किया था। वहीं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक मई में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें सालाना आधार पर 56% से अधिक थी। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से वैश्विक स्तर पर खाद्य कीमतें बढ़ी हैं। भारत विश्व में गेहूं के व्यापार का महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। मौजूदा गेहूं संकट भारत के लिए एक अवसर की तरह सामने आया है। उन्होंने कहा कि तुर्की दरअसल यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर फंसे गेहूं की खेप को हासिल करना चाहता है। ऐसा कर तुर्की वैश्विक गेहूं बाजार पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। अगर यूक्रेन, रूस और तुर्की के बीच चल रही बातचीत सफल हो जाती है तो बड़ी मात्रा में यूक्रेन में फंसा गेहूं नियंत्रित तरीके से वैश्विक बाजारों तक पहुंचेगा। उन्होंने आगे कहा कि इसलिए तुर्की भारत के गेहूं को ठुकरा रहा है। भारत के गेहूं को ठुकरा कर वह बाजार को संकेत देने की कोशिश कर रहा है कि जल्द ही बड़ी मात्रा में गेहूं की सप्लाई होने वाली है और तुर्की इसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा।
उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में भारत शायद शक्तिशाली ट्रेड लॉबी और वैश्विक जियोपॉलिटिक्स का शिकार बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।